हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शालिनी आर्ट। आज मैं आपके बालों के हेल्थ के लिए एक घरेलू नुस्खा बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, बालों को सुंदर और मजबूत रखने के लिए मैं आपको मेहंदी में क्या डाल के लगाएं कि बाल सुंदर और मजबूत बने, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम एक भगोना लेंगे और उसमें एक गिलास पानी डाल देंगे। अब उसको गैस पे चढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, जब पानी थोड़ा गुनगुना हो जाए तो उसमें 2 बड़े चम्मच मेथी दाना डालेंगे। मेथी हमारे हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ ही ये हमारे बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा और उपयोगी है। उसमें हम 2 चम्मच मेथी का दाना डालेंगे। अब हम इसमें 1 बड़े चम्मच चाय पत्ती लेंगे। चाय पत्ती हमारे बालों को सुंदर और चमकदार बनाते हैं और बालों को मुलायम भी रखते हैं, और इसका जो कलर निकलता है ये बालों में हल्का कलर भी देता है, जिससे बाल सुंदर दिखते हैं। इसमें हम डालेंगे चाय पत्ती। अब इसको हम धीरे धीरे खोलने देंगे ताकि ये अच्छे से उबल जाए और जो कलर है वो भी निकल जाए। अब फ्रेंड्स देखिए, ये खोलने लगा है। इसको हम हल्के आंच पे अब रखेंगे ताकि ये धीरे धीरे अपना कलर छोड़े। तो देखिए, ये अब कलर छोड़ चुका है। अब इसको हम छन्नी की मदद से इसको एक बाउल में इसका पानी निकाल लेंगे, इसको छान लेंगे। देखिए, अब ये इसका पानी निकल गया। ये जो पानी है ये हमारे मेहंदी को तैयार करने में बहुत ही काम का है, और मेहंदी में यही मेन है। अब हम लेंगे 1 बाउल, 2 पैकेट नूपुर मेहंदी, चाय पत्ती और मेथी का पानी और 1 ब्रश। फ्रेंड्स, अब हम जो ये नूपुर मेहंदी है, आप देख सकते हैं मैंने नूपुर मेहंदी लिया है, इसको अब हम बाउल में निकालेंगे। इसका सारा पाउडर हम धीरे धीरे निकालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके बाल लंबे हैं तो फिर आपके लिए इतना मात्रा सही है, और अगर आप जेंट्स हैं, आपके बाल छोटे हैं, तो आप भी इसको लगा सकते हैं थोड़ा सा मात्रा कम करके। इसको अच्छे से पूरे बाल में आप लगा सकते हैं, आपके भी बाल जो झड़ते हैं झड़ना बंद हो जाएंगे और वो देखने में भी खूबसूरत हो जाएंगे। जो रूखे बाल हैं वो सिल्की हो जाएंगे। ये आजमाया हुआ नुस्खा है और ये बहुत ही अच्छा है, और इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये सारा पाउडर हमने निकाल लिया। अब ये जो पानी है, मेथी का पानी, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके पाउडर में डालेंगे और ब्रश की सहायता से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ पानी ना डालें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि ये
अच्छे से मिक्स हो सके, थोड़ा थोड़ा। अब इसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे मिक्स करिए। हमने और थोड़ा सा पानी डाला इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे आप। ये देखिए अभी आप सूखा है, अभी और थोड़ा पानी डालेंगे। इसको आप 5 से 6 मिनट तक अच्छे से मिक्स करिए, जब तक ये पूरा अच्छे से मिल ना जाए। जितना ही अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे, उतने ही अच्छे से आपके बालों में लग पाएगा। ये देखिए ये मेहंदी बिल्कुल तैयार है बालों में लगाने के लिए। और ये इस तरह से अब दिखेगा आपको। जब ये इस तरह से हो जाए तो आप समझें कि ये एकदम तैयार हो गया है बालों में लगाने के लिए। फ्रेंड्स, अब इस नुस्खे को आप बालों में पूरी तरह से लगा